एक लीफ का मैंने सारे बना रखे हैं, देखिए ये भी एक एक लीफ से बनाया मैंने। अब इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है और इनमें धीरे धीरे करके ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्या बात है, ये देखिए एक लीफ है, नोड के साथ एक लीफ। हाँ। और छोटा सा बेबी प्लांट दिखने लगा। क्या बात है। तो इनको ये नोड को अगर दबा दिया जाए या पानी में डाल देना तो यहीं से एक प्लांट ग्रो कर देता है। हाँ। और नियॉन कलर का है ये वाला। हाँ। और ये छोटे से छोटे कंटेनर में हो जाता है। ग्रोइंग पीरियड इनका थोड़ा वार्मर डेज में होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो बनाया था और उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। आज का जो वीडियो है ना वो खास मैं मनी प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं और आज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नीता मैम। नीता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। हेलो तो नमस्कार मैम, और आज जो वीडियो हम करने वाले हैं वो खास मनी प्लांट के ऊपर करने वाले हैं। और बता दूँ आपको, नीता मैम का अपना भी यूट्यूब चैनल है। किस नाम से है मैम? नीता बिश्नोई गार्डन टिप्स। तो आप जाके इनको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इनको जाके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैम ये जो वीडियो होने वाला है ख़ास मनी प्लांट के ऊपर हम बात करने वाले, डिटेल में बात करेंगे। जितने भी टिप्स हैं ना, कोशिश कीजिए कि लोगों तक ना वो चीज़ें जो नॉलेज आपके पास है लोगों तक पहुँच जाए। कोशिश करूँगी पूरी। बाकी तो डिटेल वीडियो आपके चैनल पर मिल ही जाएगा लोगों को। मेरे चैनल पे पानी पे कैसे ग्रो करते हैं। हाँ। सॉइल में कैसे ग्रो करते हैं और कैसे केयर करते हैं विंटर्स में, समर्स में, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, वहाँ मिल जाएंगी। हाँ, सारी मिलेंगी। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मनी प्लांट की लगभग कितनी वैरायटी है आपके पास अगर मैं पूछूँ तो? मनी पोथोस की काफ़ी वैरायटीज है, जैसे ये गोल्डन पोथोस है। हाँ। और फिलेडेंड्रॉन्स हैं बहुत सारे। अच्छा। और मतलब नाम आगे आगे दिखाऊंगी मैं आपको कुछ, और साथ में नाम भी बताती जाऊंगी। चलिए स्टार्ट यहीं से करते हैं। ये तो सिंपल मनी प्लांट गोल्डन पोथोस है। अच्छा। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पानी में ग्रो किया हुआ है और ये करीब 8 महीने से इसी में लगा हुआ है। और ये एक मैक्रमे कंटेनर है। हाँ। उसके अंदर एक पानी में प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है। हाँ। और ये देखिए ये पानी में लगा हुआ है। पानी में लगा हुआ है। अरे वाह। तो इसके साथ साथ और पानी क्या बताई थी, लगाते रहती हूँ इसमें। अच्छा, पानी डालते रहिए। और वो चेंज करना पड़ता है क्या पानी? मैं चेंज कम करती हूँ क्योंकि रूट्स डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, तो कम ही करते हैं। ओके। कुछ कॉम्बिनेशन में भी मैंने लगा रखे मनी प्लांट। हाँ। मनी प्लांट इतने पसंद है मेरे को, गोल्डन मनी प्लांट, की घर के अंदर भी बाहर भी सबके साथ भरे हुए हैं। आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अभी इस एरिया में अगर हम आते हैं तो मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है। ये कौन सी वैरायटी? ये एंजॉय पोथोस है। ओके। ये नियॉन पोथोस है, जो थोड़े नियॉन कलर का है। हाँ। और ये सिंपल गोल्डन पोथोस है। और इसकी खूबसूरती दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितना भरा हुआ है। ये देखिए पूरा गमला भर चुका है। बहुत तो, सारी कटिंग लगाई है। अच्छा, तो उसमें बहुत सारी कटिंग लगी हुई है। बहुत कटिंग लगी है। तो मतलब इसे कट करके लगा देना होता तो लग जाएगा क्या? कटिंग काट के इसको खूब सारी लगा दी थी, बारिशों में लगाए तो बहुत अच्छा। इसमें एक्चुअली में ना ये सेकेंडरी रूट्स होती है, इसमें दिखाती हूँ। जैसे ये सारे नोड से ना सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, तो इनको ये नोड को अगर दबा दिया जाए या पानी में डाल देना तो यहीं से एक प्लांट ग्रो कर देता है। अच्छा। और मैं एक दिखाऊंगी प्लांट जिसको मैंने खाली एक एक लीफ से ग्रो कर रखा है। अच्छा। हाँ, वो मैंने इंडोर डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। वो भी मैं दिखा दूंगी अगर मौका लगा भी। ठीक है। और आप वैसे मेरे चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे मैंने एक एक लीफ से कई प्लांट्स ग्रो किए हुए। अच्छा, वो डिटेल वीडियोस वहाँ भी आपने डाल रखा है। एकदम। ये कौन सी है जो डीप ग्रीन दिख रहा है? ये सारे हम लोग के गोल्डन पोथोस है। अच्छा। जिनको हम लोग कॉमन नेम मनी प्लांट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ मिले जुले हैं। जैसे वो नियॉन दिख रहा है। हाँ। वो नियॉन कलर का है ये वाला। हाँ। और ये छोटे से छोटे कंटेनर में हो जाता है, कोई दिक्कत भी यही है। हाँ। ये देखिए कई सारे मनी प्लांट, मतलब मनी प्लांट की तो आपने ढेर लगा दी अपने, ढेर कई ट्रेल कर रहे। ये देखिए कितनी सारी है। और यहाँ पर जब आते हैं तो ये वाला एरिया तो खास लगता है, इन्हीं के लिए डेडिकेटेड हो गया। ये नियॉन है। हाँ। इसका कलर ही नियॉन है। ये मॉस्टिक पे है, ये भी मॉस्टिक पे है। देखिए अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हाँ। इनको टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट पसंद है।
ग्रोइंग पीरियड इनका थोड़ा वार्मर डेज में होता है, मगर इनको बड़े शेड में रख के बचाया हुआ है, ये गोल्डन पोथोस है। और इन लोग ज़्यादा रिपॉटिंग नहीं चाहते। अच्छा, जैसे हैं हाँ। उसी में रहने दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहते हैं। हाँ, रूट बाउंड होना लाइक करते हैं। अच्छा। प्यार से इनको रखें। खूब सारा वेल्थ लेके आएंगे आपके घर। अच्छा, नाम ही मनी प्लांट है। और ये कौन सा? ये ऑक्सीकार्डियम है। ऑक्सीकार्डियम है और हार्ट शेप्ड है बिल्कुल। और ये मैंने बुशी फॉर्म में ग्रो किया हुआ है, स्टैंड पे रखा हुआ है, सब स्टैंड पे रखे। अच्छा नीता मैम, ये बताइए कि अगर कोई गार्डनिंग टिप्स देना चाहे मनी प्लांट ग्रो करने के लिए लोगों को जो बेसिक अभी बिगनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? ये अगर पानी में ग्रो करते हैं तो आप कोशिश करें कि ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। अच्छा। और ये स्टैंड पे रखने का रीज़न भी यही है कि ड्रेनेज खुला रहे और प्लांट में से जो वो सॉइल है वेल ड्रेनिंग हो, पानी डाले और एकदम निकल जाए। अच्छा, ये इसका की है। और अगर मैं बोलूँ सॉइल बनाने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सॉइल वैसे तो मेरे चैनल पे आपको परफेक्ट सॉइल का एक वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है। और वैसे ही इसमें मैं यूज करती हूँ एक पार्ट सैंड, एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट कंपोस्ट, और एक पार्ट मैं लीफ मोल्ड भी लेती हूँ। कंपोस्ट में मैं ज़्यादातर काउडंग मैन्योर लेती हूँ। अच्छा, और लीफ मोल्ड। अच्छा, नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड। तो ये अगर मैं पूछूं कि ये इंडोर के लिए बेस्ट है या आउटडोर के लिए बेस्ट है, अगर आउटडोर में रखेंगे तो प्लांट चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? मनी प्लांट धूप नहीं, धूप कम। हाँ, शेड लविंग प्लांट है ये। शेड लविंग हाँ, मैंने सारे देखे शेड में ही रखे हुए हैं। इधर भी है कुछ, इनको भी मैंने शेड में ही रखा हुआ है। और ये छोटे कंटेनर्स में लगे हुए, ये देखिए, ये मार्बल क्वीन पोथोस है। ये पोथोस की एक वैरायटी है। ये छोटे सिंगोनियम्स हैं, ये भी सिमिलर केयर है। हाँ। मैंने जितने भी प्लांट जो सिमिलर केयर है उनको इकट्ठे रखा हुआ है। अच्छा, ये भी मार्बल क्वीन पोथोस है। ये अलग अलग टाइप के हम लोग के सिंगोनियम्स हैं। तो अगर बीच में कोई लिक्विड फर्टिलाइजर भी इनको देती रहती है, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, मैं फोलियर स्प्रे देती हूँ। फोलियर स्प्रे मतलब ये मॉइस्चर लाइक करते हैं, ह्यूमिडिटी लाइक करते हैं, तो मैं इनको फोलियर स्प्रे में डाल देती हूँ। कई बार अपना घर में बना हुआ बायो एंजाइम है। हाँ, आप उसके लिए भी मेरा ना एक चैनल में मैंने पूरा कवर किया है कैसे बनता है। अच्छा, तो वो भी उसका भी यूज़ आप कर लेती हैं, बायो एंजाइम्स वगैरह भी? एकदम, कैसे यूज़ करते हैं वो पूरा डिटेल है। और उसके अलावा मैं एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब भी यूज़ करती हूँ। तो लगभग कितने दिनों में आप इसका यूज़ कर लेती हैं? गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, मॉइस्चर मिल जाता है प्लांट्स को। हाँ। और विंटर्स में ज़्यादा पत्तियों को, किसी भी पत्तियों को ज़्यादा गीला नहीं करती, क्योंकि उनमें ना वाइब्रेशन स्लो रहता है विंटर्स में, तो कल जाती है। हाँ, फिर समर्स में अच्छी यूज़ करती हूँ, रेनी सीजन में तो फर्टिलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुदरत अपने आप ही बारिश के फॉर्म में कितनी बढ़िया बारिश आती है, नाइट्रोजन रिच, बहुत बढ़िया। तो मैम ये आ गया आपका, ये कौन सा है? ये भी मनी पोथोस ही है? ये भी, ये जेड पोथोस है। अच्छा, जेड पोथोस है, एकदम ग्रीन कलर का होता है, इसकी लीफ काफ़ी बड़ी हो जाती है अगर ज़मीन पर लगाए। ओके, और इसके साथ साथ दिख रहा है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, काफी तेजी से बढ़ रहा है। क्या बात है, ये एंजॉय पोथोस, ये दोनों पानी में लगे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और एक स्टेम, तो बीच में आपको धूप दिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, सब इंडोर ही रखे हुए हैं। इंडोर ये भी देखिए पानी में ही प्रोपगेट हो रहा है स्नेक प्लांट, और कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये लीफ लगाई थी और इतने सारे पप्स निकल आए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हर वीक में या फिर दो दिनों में आप धूप में ले जाकर इसे रखें? नहीं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। और एकदम से चेंज करते हैं, कई बार टेम्परेचर बहुत डिफरेंस होता है तो स्ट्रेस में भी आ जाता है, और यहाँ भी लगा रखा है। हर जगह मिलेगा, वॉशरूम में, हर जगह मिलता है ये। टहनी कितनी भी निकले मैं तो वेस्ट नहीं करती। तो पानी के साथ कुछ और भी मिक्स करती हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है ये। तो ये आरओ वाटर यूज करती है, नॉर्मल टैप? नॉर्मल टैप वाटर, एकदम नॉर्मल। और कितने दिनों में पानी चेंज करती हैं? मैं करीब 15-20 दिन में एक बार चेंज कर लेती हूं। 15-20 दिन में एक बार चेंज कर लेती हूं। ये है नियॉन पोथोस, इसका कलर देखिए, नियॉन कलर है ये, देखिए क्या खूब। और ये भी पानी में ही लगाया हुआ है। हाँ। ये पत्थर डाले हुए ताकि ये थोड़ा स्टेबल रहे और लगता भी खूबसूरत है। और कई सारी टहनियाँ लगाई हुई है, और ये भी लगाए हुए काफी टाइम हो गया है इनको,
छोटे छोटे प्लांट्स से अब इनमें नई ग्रोथ भी दिखने लगी है। क्या बात है, लगातार ग्रोथ आती रहती है। हाँ, कोई भी थोड़ी भी प्रूनिंग करती हूँ प्लांट थोड़े तो बड़े हो जाते। हर कोने में आपने लगा रखा है ना। हर जगह है ये। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक और एरिया दिख गया, यहाँ भी सिर्फ मनी प्लांट ही मनी प्लांट। मैम कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ गया आपका मनी प्लांट के ऊपर? इतने सारी चीजें आपने मनी प्लांट पर हर कोना में भर दिया है आपने। तो ये देखिए, एक नीचे भी है, यहाँ भी दिख रहा है, इसके साथ साथ इधर भी है। तो ये जितने भी है सारे पानी में लगा रखा है आपने? सब पानी में, सिवाय वो व्हाइट वाले के। हाँ। वो सॉइल में है। हाँ। और ये एक लीफ का मैंने सारे बना रखे हैं, देखिए ये भी एक एक लीफ से बनाया मैंने। अब इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है। एक और दिखाती हूँ, वो भी एक लीफ, एक एक लीफ है ये। अच्छा। और ये लगाए हुए हैं कोकोपीट में? नहीं, कोकोपीट नहीं है, ये लेका बॉल्स है। अच्छा। लेका बॉल्स में पानी है और ये लगा रखा है, डिस्पोजेबल कंटेनर है। और इनमें धीरे धीरे करके ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्या बात है, ये देखिए एक लीफ है, नोड के साथ एक लीफ। हाँ। और छोटा सा बेबी प्लांट दिखने लगा। क्या बात है, क्या बात है। एक आधा कटिंग तो मैं लेके जाऊंगा आपसे। एकदम ले लीजिए। और इसके लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बना रखे हैं कि एक लीफ का कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी मैम ने लगा रखी है, बहुत ही बढ़िया मैम। बिल्कुल, आप रियली चैंपियन है मनी प्लांट और पथोल लेके आप कुछ भी प्रोपोगेट कर सकती हैं। ये तो ना टहनियाँ सारी सूख गई थी। हाँ। तो वो सारे निकाल के इसमें डाल दी थी करीब 1.5 साल पहले। हाँ। और अब देखिए कितना बढ़िया हो रहा है ये। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू, बहुत सारी नॉलेज आपने शेयर कर दी। तो थैंक यू सो मच मैम। और फिर से बता रहा हूँ, मैम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।